चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। आज फिर हम देखने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का वॉल्यूम टू का मैथ का प्रैक्टिस सेट 6 देखने वाले हैं। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 5 तक नहीं देखा है तो मैथ एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कंजूसी तो आप लाइक करने में बहुत करते हैं। अगर आप लाइक कीजिएगा तो आपका इस भाई का मनोबल बढ़ेगा और ऐसे ही वीडियो कंटिन्यू आपका आता रहेगा। अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ जुड़ जाइएगा तो आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, तो आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। और पहला क्वेश्चन कह रहा कि एक कोण का संपूरक इसके पूरक के 3 गुना से 15 डिग्री अधिक है तो कोण का माप क्या हो जाएगा। हमने मान लिया कि अगर कोण का माप अगर थीटा है, तो अगर कोण का मान थीटा है तो पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और संपूरक कोण क्या हो जाएगा, तो संपूरक कोण जो होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का थीटा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कोण का संपूरक इसके पूरक के 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है, यानी कि इसके 3 गुने से 15 डिग्री अधिक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस 3 गुना 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कितना है 15 डिग्री अधिक है। बस इसको सॉल्व कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस का 270 डिग्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 थीटा बराबर 15। अब देखिए ये 3 थीटा प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 थीटा। और ये 180 डिग्री माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 102 थीटा माइनस 90 डिग्री बराबर 15। तो यहाँ से 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये जाके उधर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री, यानी कि 2 थीटा का वैल्यू 105 आ गया। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 105/2, यानी कि थीटा का मान आ जाएगा 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, यानी कि थीटा का कोण का मान आ जाएगा 52.5 डिग्री। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित हो। किससे विभाजित हो, 5, 6, 7, 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 3 देता हो, लेकिन यह 9 से पूर्णतः विभाजित, यानी कि इन सभी से भाग देने पर संख्या से हमेशा 3 शेष आता हो, लेकिन 9 से भाग देते हैं तो वो पूरा पूरी कट जाता हो। देखिए क्या करेंगे, 5, 6, 7, 8 का LCM देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, 7 × 3 = 21, 210, और 210 नहीं, इसका LCM ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, यहाँ LCM ले लेंगे तो 5, 6, 7, 8 का LCM लेंगे तो 2 से कटेगा, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 4 = 8। अब कोई कटने वाला हमको नहीं दिख रहा है तो गुना कर देंगे, 5 × 15, 15 × 7 = 105, और 105 × 8 कितना हो जाएगा 8 × 5 = 40, हाथ में 4, 8 × 8, यानी कि इसका LCM हो गया 840। अब देखिए ये जो 840 संख्या है, इन सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये 9 से कटेगा तो 9 से नहीं कटेगा, 8, 4, 12 9 से नहीं कटने वाला है, 99, 81 9 से ये नहीं कटने वाला है। जब ये 9 से नहीं कटने वाला है और इन सभी से भाग देने पर शेषफल 3 आता हो, तो इस संख्या को लिख सकते हैं 840x × x + 3, यानी कि वो शेषफल क्या होता है 3 जुड़ जाता है। अब देखिए इस संख्या में देखेंगे, अगर इस x की जगह अगर हम 2 रख दें तो ये कितना हो जाएगा 1600
1680 प्लस ये 3 यानी क्या हो जाएगा 1683। अब देखिए ये 1683 जो है क्या ये इन सभी से भाग देने पर शेषफल इसमें 3 आएगा, तो बिल्कुल आएगा क्योंकि इसका दुगना हो जा रहा है। ठीक है, तो जब 840 से 5678 कट जा रहा है तो इसका दुगना भी हो जाएगा, तिगुना भी हो जाएगा, इसका दुगना भी होगा तो ये क्या हो जाएगा 5678 से पूरा पूरा कट जाएगा और शेषफल क्या आएगा 3। अब देखिए ये संख्या क्या, ये 1683 जो हमारा संख्या है ये 9 से कटता है या नहीं ये देखना, 6 1 7 8 7 15 15 3 18, 18 तो 9 से कट जाता है, इसका मतलब है कि ये 9 से कट जाएगा। इसको देख भी लीजिएगा, 9 एकम 9, 16 में से 9 गया 7 8 9 72 6 9 7 63 यानी कि कट गया। तो सबसे इन सभी का योगफल कितना हो जाएगा, 6 1 7 8 7 15 3 18, तो इसका योगफल आ जाएगा 18। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 33,333 गुने 9,999 9,999 इसका मान क्या होगा। देखिए इस तरह का प्रश्न को यहाँ पे 999 दिया है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 33,333 गुना इसे हम लिख सकते हैं कि 10,000 माइनस का 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे एक बार तो ये हो जाएगा ये 4,000 माइनस का ये हो जाएगा 33,333। अब देखिए 33,333 को अगर हम नीचे यहाँ इस तरीके से लिख दें, अब माइनस कर दें तो 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 12 में से 3 गया 9, 2 3 3 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 333,299,666,777 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि निम्न में से कौन से संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 3,497,22, ऑप्शन बी कहता है 3,497,20, ऑप्शन सी 3,497,26 और ऑप्शन डी 3,497,23। 6 से विभाज्य का कोई नियम नहीं होता है, 6 से विभाज्य का कोई नियम नहीं होता है, लेकिन ये 2×3 होता है तो वो संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अब देखिए ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट गया, जिसका अंतिम संख्या 3 हो वो 2 से विभाज्य होगा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए कट गया। अब रह गया ये ऑप्शन, तो 3 से विभाज्य का नियम कहता है कि अभी सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए जोड़िए, 4 3 7 9 7 16 16 7 23 23 2 25 2 27, ये तो नहीं, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, ये 3 से विभाज्य हो जाएगा, ये 2 से भी विभाज्य हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा, 4 3 7 9 7 16 16 7 23 2 25 25 3 से विभाज्य होगा नहीं होगा, 4 3 7 9 7 16 16 7 23 2 25 25 6 31 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि यदि 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग अंडर रूट 18, 2 पूर्णांकों के वर्गमूलों का योग अंडर रूट 18 प्लस 8√5 हो तो पूर्णांक के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, पूर्णांक के वर्ग का योग क्या हो जाएगा। हमने मान लिया कि अगर पूर्णांक x और y हैं तो इसके वर्गमूल का योग इसके बराबर हमको करना होगा, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर अंडर रूट 18 प्लस 8√5, यही होगा। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें, वर्ग करने पे क्या होगा, इसका रूट एक्स प्लस रूट वाई का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट
18 प्लस 8 रूट 5 का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर में ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 8 रूट 5। अब ये रूट एक्स, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, रूट वाई का स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस 2, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स वाई बराबर 18 प्लस 8 रूट 5। अब देखिए इस रूट 2 रूट एक्स वाई बराबर, इसको अगर हम पुट कर बराबर में करते हैं, 2 अंडर रूट एक्स वाई बराबर 8 रूट 5 करते हैं। अब क्या करेंगे, ये 2 से इसको काट देंगे 4 बार में, तो अंडर रूट एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 4 रूट 5। अब अगर हम यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 रूट 5 का होल स्क्वायर। तो ये रूट रूट से हट जाएगा, यानी कि एक्स वाई बराबर 4 चौके 16 और प्लस 5 80। जब एक्स वाई का मान 80 आ गया तो हम देखेंगे यहाँ एक्स प्लस वाई का मान कितना है, यहाँ एक्स प्लस वाई का मान 18 दिया है, यहाँ एक्स वाई का मान 80 है। इसका मतलब है कि इस x का मान 10 और इस y का मान 8 हो सकता है, यही हो सकता है, यानी कि 10 प्लस 8 18 और 10 गुना 8 80, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन को। अब हमसे कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, दोनों के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू देखें तो 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 और 8 का स्क्वायर 64, यानी कि 164 आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि निम्न में से सबसे छोटे भिन्न कौन सा होगा, सबसे छोटे भिन्न निकालना है 8/15, 14/33, 11/13 और 7/13। इन सभी में छोटी संख्या क्या होगी, अब इन दो संख्या को लेते हैं 8 और 15 को और 14 और 33 को, 14 और 33 को इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि इन दिनों में सबसे छोटा कौन है। 33 को 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24 के 4 हाथ में 2, 8 3 24 और 2 26, ये 264 आ गया। 15 को गुना करेंगे 14 से तो 15 दहाँ 150 अब 15 चौके 60, यानी कि 210। अब इन दोनों में छोटी संख्या कौन होगी, 14/33 हो गया। अब फिर 14/33 को 11/13 से कंपेरिजन कराएंगे तो 13 को इससे गुना कराएंगे तो 14 दहाँ 140 और 14 3 42, 140 और 42 कितना हो जाएगा 182। अब 33 को इससे गुना कराएंगे तो 33 को ये हो जाएगा 363। तो इन सभी में छोटा कौन हो गया, 182 हो गया, तो यानी कि 14/33 छोटा होगा 11/13 में से। तो अब फिर क्या करेंगे, 14/33 को 7/13 से कंपेरिजन कराएंगे तो 13 को 114 से गुना कराएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। 33 को 7 से गुना कराएंगे तो 7 3 21 के 1 हाथ में 2, 7 3 21 23, यानी कि 231। यानी कि सबसे छोटी संख्या हमको 14/33 नज़र आता है, सबसे यहाँ भी क्या हो गया 182 आ रहा है, तो 14/33 सबसे छोटा संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या 14/33 हो जाएगा। एक और तरीका है, जिसका सब जिसका हर अगर ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो संख्या सबसे छोटी होती है, ठीक है। देखिए इसका हर सबसे ज़्यादा बड़ा है 33 जो है, तो ये आप इस तरह के प्रश्न में आप इसको भी देख के कर सकते हैं, या इसको भाग करके भी 15/8 को भाग करके, इसको भाग करके, इसको भाग करके भी निकाल सकते हैं, या ये तरीका अपना के भी निकाल सकते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे कीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि यदि तीन क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 153 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। अब देखिए 153 है, क्या है, तीन विषम प्राकृत संख्याओं का जो 153 है, तो तीन का है तो तीन से भाग दे दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 1 यानी कि 51। वो संख्या क्या हो जाएगी, बीच वाली संख्या 51 हो जाएगी, इसके पहले 50 होगा, इसके पहले 52 होगा, सबको जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 5, 3, 15, 153 आ गया, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 51 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि 2.347 के ऊपर 12 है का दशमलव भिन्न किसके बराबर होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए कैसे करेंगे, ये टोटल संख्या कितना है 2347 है, माइनस हम वो संख्या करेंगे जिसके ऊपर 12 नहीं है। देखिए ये अगर इसको 2347 हम लिख देंगे तो 12 किस पे नहीं है, तो 2 और 3 पे नहीं है, तो ये 23 को माइनस कर देंगे। ये कितना टोटल संख्या है, 3 संख्या है, तो जिनके ऊपर 12 रहता है उनको 9 लिखते हैं, तो ये 2 के ऊपर 12 है तो 9, इस 1 के ऊपर नहीं है तो उसे 0 में लिख लेंगे, बस इसको माइनस कर देंगे, 7 में से 3 गया 4, 4 में से 2 गया 2, यानी कि 2324/990 इसका भिन्न रूप हो गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 2324/990 यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि जब किसी धनात्मक भिन्न के वर्गमूल में 1 जोड़ा जाता है तो उत्तर 3.14 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा। हमने मान लिया कि वो धनात्मक संख्या क्या है, x है, धनात्मक संख्या क्या है, x है। अब इसके वर्गमूल में यानी कि √x में 1 जोड़ा जाता है तो आंसर प्राप्त होता है 3.14 यानी कि √x + 1 = 3×12 = 13/4 प्राप्त होता है। तो यहाँ से √x का मान क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 13/4 - 1 तो 4 लघुत्तम हो गया, 13 - 4, 13 में से 4 जाएगा 9/4। अब देखिए √x का मान अगर 9/4 है तो यहाँ से √x हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 99, 81, 4×16। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 81/16 यानी कि 5.1/16। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि 2 साल के लिए 5% की ब्याज दर पर 400 रुपया का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। टाइम आपको कितना दिया है, 2 साल का, रेट आपको दिया है 5% और प्रिंसिपल आपको दिया है 400 रुपया। आपसे कह रहा है कि CI और SI का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या होता है जब केस 2 साल का होता है तो CI और SI का अंतर, थोड़ा सा ऊपर लिखने दीजिए, CI और SI का अंतर जो होता है ये होता है PR² / 100² यही फॉर्मूला हम लगाते हैं। प्रिंसिपल आपको कितना दिया है 400, तो 400 गुना, रेट आपको 5% दिया है तो 5² / 100 को हम लिख देंगे 100 गुना 100, ठीक है। अब देखिए इस 5² को हम डायरेक्ट यहाँ 25 लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 25×100, 25×100 और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4×1 = 4, तो CI और SI का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 1 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि यदि √4096 का मान अगर 64 है तो हमसे कह रहा है कि √40.96 + √0.4096 + √0.00406 का मान ज्ञात करना, इसका मान ज्ञात करना। अब देखिए हमारे पास क्या दिया है, 4096 का मान 64 दिया है √, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 4096/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस इस संख्या को हम लिख सकते हैं
4096/10000 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4096/22426 लिख सकते हैं तो कहिएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस काम खत्म। अंडर रूट 4096 का मान कितना है 64 है, तो 64 और रूट में से 100, अंडर रूट 100 का मान क्या होता है तो 10 होता है, तो ये 10 आ जाएगा। 4096 का मान रूट का 64 है, ये बाहर आ जाएगा तो 100 बाहर आ जाएगा, यानी कि 20 बाहर आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 4096 का मान 64 है, इसमें से 30 बाहर आ जाएगा, तो ये संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए ये संख्या हो गया 6.4, ये संख्या हो गया 0.64 और ये संख्या हो गया 0.064। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जोड़ने का तरीका है 6.4, 0.64 और 0.064। 4, 6, 4, 10 के 0, हाथ में 4, 1, 5, 6, 5, 11 के 1, हाथ में 6, 1, 7, यानी कि 7.104 आपका सही आंसर हो जाएगा। 7.104 यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि एक छोटी संख्या के 20% को एक बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है, तो ऐसा करने से मिला उत्तर दोनों संख्याओं के योग का 23% है। बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है। अब देखिए बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से 4 अधिक है। अब हमने मान लिया कि अगर छोटी संख्या को अगर हम x मान लें तो बड़ी संख्या 4 अधिक होगा, तो 4 अधिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है छोटी संख्या के 20% को, यानी कि छोटी संख्या के 20% को बड़ी संख्या के 25% में, बड़ी संख्या के 25% में जोड़ा जाता है तो दोनों संख्याओं के योग का 23% हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग यानी कि x प्लस 4 का 23% हो जाता है। क्वेश्चन यही कह रहा है। अब देखिए 20% का मतलब होता है कि 20/100, तो इसे हम लिख सकते हैं 20x/100 प्लस x+4। 25% का मतलब होता है कि 25/100, तो इसे 25/100 लिख देंगे और आपका ये क्या हो जाएगा 2x+4। 23% का मतलब होता है कि 23/100। अगर यहाँ से 100 हम कॉमन ले लें, यहाँ से 100 कॉमन ले लें, यहाँ से भी 100 कॉमन हो जाएगा, तो ये 100, ये 100 और ये 100 कट जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 20x+ ये हो जाएगा 25x+25 = 100 बराबर ये हो जाएगा 23×46x+23 = 4×3=12 हाथ में 4×2=8 9 92। अब देखिए ये 20 और ये 25 कितना हो जाएगा, 20x+25x यानी कि 45x+100 = 46x+92। अब देखिए ये 45x को उधर भेज देंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा कि 46x-45x = 100-92। तो ये x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा यहाँ से 8। जब x का मान हमारे पास 8 आ गया तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक तो संख्या है, तो जब छोटी संख्या का मान x आ गया तो बड़ी संख्या का मान क्या हो जाएगा, 8+4 यानी कि 12। तो दो संख्या क्या हो जाएगी, 8 और 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 97 रन बनाता है और इस प्रकार उसका औसत रन क्या हो जाता है, 3 रन बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, उसका औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि हम मान लिए कि अगर वो 16वीं पारी में औसत उसका अगर एक्स रन बनाए, एक्स उसका औसत होगा, हमने मान लिया कि 16वीं पारी में उसका जो औसत होगा वो एक्स होगा, तो 17वीं पारी में उसका औसत क्या हो जाएगा, 3 रन बढ़ जाता है तो x+3 हो जाएगा, यही होगा।
और हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। अगर हमसे सम पूछ ले तो सम को कहते हैं कि औसत गुना सभी संख्याओं का नंबर, यही होता है। तो अगर 16वीं पारी में औसत x होता है और 17वीं पारी में उसका औसत x प्लस 3 हो जाता है तो 17वीं पारी में उसका योग क्या हो जाएगा, तो 17वीं पारी में इसका योग हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 16 गुना x, 16x, और ये कितना हो जाता है, मारता है रन 97 रन। तो गुना कर दीजिए 17x प्लस 17 51 माइनस 16x बराबर 97। तो यहाँ 17 में से 16x जाएगा तो x, और ये 51 उधर चला जाएगा तो 97 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4। यानी कि इसके 16वीं पारी में औसत कितना था, 46 था, तो 17वीं पारी में औसत इसका कितना हो जाएगा, x प्लस 3 यानी कि 46 प्लस 3 यानी कि 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है, देखिए क्या कीजिए, ये जो पारी में नंबर मार रहा है यानी कि 97 रन मार रहा है, इसमें से डायरेक्ट अगर 97 माइनस 16 गुना 3 कर देंगे तो 97 माइनस 16 3 48, 17 में से 8 जाएगा कितना हो जाए, 17 में से 8 जाएगा 9 और 8 में से 4 जाएगा 4 यानी कि 49 रन। तो आप ये शॉर्ट मेथड है और ये प्रोसेस इस तरीके से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2 हो तो 5A प्लस 4B, ये बट्टा में हम कर सकते हैं इसको, 5A माइनस 5B का किसके मान के बराबर होगा। बस कर दीजिए, ए के जगह ए रख दीजिए, ए का मान 3 है, बी का मान 2 है, तो 5 × 3 + 4 × 2 बट्टे में 4 × 3 − 5 × 2, 5 × 3 = 15, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 5 × 2 = 10, 15 × 8 = 23, 23/12 − 10 गए 2, यानी कि 23:2 आपका आंसर हो जाएगा, 23:2। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि 1550 रुपये की एक धनराशि ए बी और सी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का भाग अनुपात बी का भाग अनुपात 6:5 है तथा बी का भाग अनुपात सी का भाग 10:9 है, तो बी का भाग ज्ञात कीजिए। रुपया कितना है, रुपया है 1550 रुपया। ए अनुपात बी का मान दिया है 6:5 और बी अनुपात सी का मान दिया है 10:9। अगर हम यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी देखें तो ये हो जाएगा 6:5 और बी अनुपात सी कितना है, 10:9। इधर कुछ नहीं है तो 5 लगा दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 10 लगा दीजिए, बस 10 × 6 = 60, 15 × 50, 9 × 5 = 45। क्या इसे 5 से काट सकते हैं, 5 से हम बिल्कुल काट सकते हैं, 5 से काटेंगे तो 12, 10 और 9। अब हमसे पूछ रहा है कि B का भाग ज्ञात कीजिए, B का भाग ज्ञात है, टोटल कितना है 12, 10, 22, अब 22, 9 कितना हो जाएगा, तो 22, 9, 31। 31 रेशियो का मान 1550 रुपया है, तो एक रेशियो का मान कितना आ जाएगा आपका, 50 रुपया। एक रेशियो का मान 50 रुपया, तो B कितना रेशियो है, 10 रेशियो है, तो B का मान हो जाएगा 50 × 10 यानी कि 500 रुपया। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि कि उसका खर्च ना बढ़े। अब देखिए 10% अगर वृद्धि हो जाता है तो आपको क्या पर, 10% का मतलब होता है कि 10/100 यानी कि 1/10। अब मान लीजिए अगर मूल्य में वृद्धि होता है, मान लीजिए पहले 10 रुपया में मिलता था, अब 11 रुपया में हो गया,
तो आपको खपत में ना कमी करनी पड़ेगी। तो खपत क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, 11 से 10 हो जाता है। तो कितने की कमी करनी होगी, तो आपको 1 रुपया की कमी करनी होगी, किस पे, 11 पे। तो 100% पे कितना कमी करना होगा, आपका हो जाएगा 100/11%, यानी कि इसे कह सकते हैं 9 पूर्णांक 1/11%। तो 9 पूर्णांक 1/11%, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि ए और बी एक साथ चलना शुरू करते हैं, एक पटना से दिल्ली तथा दूसरा दिल्ली से पटना की ओर जाती है। ए की गति बी की गति का 6/5 है। यदि बी को पार करने के बाद ए को दिल्ली तक पहुंचने में 2.5 घंटा लगता है, तो ए को पार करने के बाद बी को पटना तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया। देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, मान लीजिए ये ए स्थान है, ये बी है, ये ए आदमी है, ये बी आदमी है, ये आपका पटना से ये दिल्ली जाता है, ये पटना से दिल्ली जाता है, और ये दिल्ली से पटना आता है, ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों के बी को पार करने में एक समय आएगा कि जब ये एक दूसरे से मिलके एक दूसरे को पार करते हैं, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है V1/V2 √T2/T1। बात को समझिएगा, क्या होता है, V1/V2 यानी ए की चाल बट्टा बी की चाल बट्टा बी का समय बट्टा ए का समय, यही होता है। भी मतलब स्पीड होता है और टी मतलब समय होता है, यही होता है। तो अब हम देखते हैं ये जो फॉर्मूला है आपको याद रखना है कि इस तरीके से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो V1/V2 √T2/T1 ही करना। अब देखिए हमारे पास ए की गति बी की गति का 6/5 है, यानी कि V1/V2 का चाल हमारे पास क्या दिया है, 6/5 दिया हुआ है। हमसे T2 कह रहे हैं, यानी कि इसका समय ज्ञात करने के लिए, तो T2 को 2 ही रहने देते हैं, और कह रहा है कि A को दिल्ली तक पहुंचने में, यानी पटना से इसको दिल्ली में पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगता है, 2 पूर्णांक 1/2 यानी कि 5/2 घंटे का समय लगता है, तो इसे 5/2 लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग अगर हम करेंगे, वर्ग करने पर हमारे पास आ जाएगा 36/5 = T2 बट्टा, ये दो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये 2T2 बट्टा ये 5 हो जाएगा, ये आपका 25 है, ये कट जाएगा 50 25, 2 से 36 कट जाएगा 18 बार में, यानी कि T2 बराबर क्या आ गया, 18/5, यानी कह सकते हैं 5 × 15 यानी 3 पूर्णांक 3/5 घंटा लगा, घंटा ही लगा। अगर 3 घंटा और 3/5 को मिनट में हम बदलेंगे तो इसे 60 मिनट से गुना करेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 × 3 = 36, यानी कि 3 घंटा 36 मिनट का समय लगेगा इसको दिल्ली से पटना पहुंचने में। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि एक टैंक एक समान प्रवाह के साथ 3 पाइपों से भरा होता है, एक साथ काम करने वाले 2 पाइप एक ही समय में टैंक को भरते हैं, जिसके दौरान टैंक को तीसरा पाइप अकेले भरता है, दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टैंक को 5 घंटे और तीसरा पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमी गति से भरता है, तो दूसरा पाइप के लिए आवश्यक समय क्या हो जाए। अब देखिए यहाँ पे 3 पाइप है, A+B, ये किसके बराबर है, C के। देखिए क्या होता है, अब एक चीज़ यहाँ पे मैं इस प्रश्न के लिए बता दूँ, अगर A+B यानी A+B अगर कोई टंकी को X दिन में भरता है, अगर A उस टंकी को X+T1 घंटा में भरता है, अगर B उस टंकी को X+T2 घंटा में भरता है, तो A+B द्वारा भरा कितना समय में जाएगा, ये जाएगा √T1 × T2 में, क्योंकि ये चीज़ जो है ये चीज़ इस प्रश्न में अप्लाई होने वाला है।
इस प्रश्न में क्या होने वाला है, अप्लाई होने वाला है। अब देखिए ए का जो समय लग रहा है एक्स प्लस 9 घंटा लग रहा है, क्या लग रहा है, ए का जो समय लग रहा है ये 9 घंटा लग रहा है और बी की तुलना में 5 घंटा कम है, तो बी का समय कितना लगेगा, इससे 5 घंटा कम हो जाएगा, तो एक्स प्लस 5 घंटा कम होगा तो कितना घंटा लगेगा, एक्स प्लस 4 घंटा। जब एक्स प्लस 4 घंटा लगेगा तो ए प्लस बी द्वारा कितना टाइम में भरा जाएगा, तो अंडर रूट T1 × T2 यानी कि 9 × 4 यानी कि अंडर रूट 36 बराबर 6 घंटा में। अब हमसे कह रहा है तो दूसरा पाइप के लिए आवश्यक समय क्या हो जाएगा, तो दूसरा पाइप के लिए आवश्यक समय क्या है, तो बी के लिए आवश्यक समय क्या है, एक्स प्लस 4 यानी कि 6 + 4 यानी कि 10 घंटा उसे लगेगा, 10 घंटा लगेगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें, उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। देखिए आपको यहाँ पाई चार्ट दिख रहा है, कह रहा है श्रम की लागत 65 में कुल निर्माण लागत रुपया जो है ये कितना है, 108,000 रुपया है, 108,000 रुपया है, तदनुसार श्रम की लागत कितनी है, तो श्रम की लागत कितनी है जी, श्रम की लागत 115.2 डिग्री है, टोटल इतना है, कितना, इतना बट्टा 360 डिग्री इंटू श्रम की लागत है 115.2 डिग्री। अब इसको गुना भाग कर लीजिए, 36 × 108 होता है, 36 × 108 होता है यानी कि ये 300 हो गया, तो 300 को इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 6 3 × 5 = 15 हाथ में 1 3 × 3 = 4 3 × 3 ये आपका 20 बढ़ जाएगा यानी कि 34,560 यानी कि ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। 66 कह रहा है कि मान ज्ञात करना है अंडर रूट 72 - √72 - √72 ये इन्फाइनाइट। देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न देखे जब दे तो दो केस में देता है, एक तो प्लस में देता है दूसरे माइनस में देता है। सबसे पहला काम करना है कि इस अंदर वाली संख्या को बाहर लीजिए और इस तरीके से उसका गुणनखंड कीजिए जिनके दो गुणनखंड के बीच में जो अंतर आना चाहिए वो एक का अंतर आना चाहिए। तो देखिए यहाँ 9 और 8, 8 × 9 = 72 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो अंतर 1 है। अब देखिए जब ऐसा प्रश्न में जब प्लस दिया गया रहे, जब प्लस दिया गया रहे तो गुणनखंड में गुणनखंड जो हो तो बड़ी संख्या ले, बड़ी संख्या ले। देखिए जब गुणनखंड में प्लस दिया रहे, इस फैक्टर में प्लस दिया रहे तो बड़ी संख्या लेना है, अगर जब माइनस दिया रहे तो छोटी संख्या लेना है, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर दिया है, तदनुसार उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ऊंचाई हमको एच कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे तो √3/2a बराबर ऊंचाई के बराबर कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a का मान यहाँ से आ जाएगा 18 × 36 और √3 नीचे आ गया, जब √3 नीचे आ जाता है तो ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 × 36 को काट देगा 12 बार में, यानी कि भुजा का मान आ गया 12√3 सेंटीमीटर। अब देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4a² तो ये क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि 12√3 का स्क्वायर, तो 12√3 का स्क्वायर कर देंगे तो √3/4 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 × 144 यानी कि ये हो जाएगा 144 और √3 3 हो जाएगा, तो 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12 4 × 6 = 24।
यानी कि 36 तिया 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो 108√3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि आंशिक रूप से पानी में भरे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोले को डुबाया जाता है। उस बेलनाकार बर्तन का पानी कितना ऊंचा बढ़ जाएगा, यही पूछा रहा है। अब बेलनाकार आयतन बेलनाकार है तो बेलनाकार इसी तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर अगर 6 सेंट कितना दिया है डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि डायमीटर ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से रेडियस क्या आ जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर। अब इसमें पानी भरा हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, कुछ तो ऊंचाई होगा, इसका ऊंचाई हमको निकालना है कि इस बेलनाकार का ऊंचाई क्या होगा जब इसमें एक ठोस क्या नाम है व्यास के गोले को डुबाया जाता है। गोला जब इसमें डुबाइएगा, मान लीजिए इसके अंदर एक गोला क्या होगा इस तरीके से होगा, तो गोला को डुबाइएगा तो वही उसका बेलनाकार बर्तन का पानी कितना ऊंचा चढ़ेगा, यानी कि चढ़ेगा कितना वही ऊंचाई हमको ज्ञात कर लेना। अब देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन को हम बराबर कर देंगे गोले के आयतन के, इस गोले का आयतन के बराबर कर देंगे। अब देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बराबर, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये पाई से ये पाई कट गया, अगर हम काटें तो ये आर स्क्वायर इसको काट देगा, तो एच का मान क्या हो गया 4/3 आर, तो आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान आपका 3 दिया हुआ है, तो 3 से 3 काट दीजिए ऊंचाई कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है यदि एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर 25 प्लस जेड स्क्वायर 49 का मान क्या होगा। अब देखिए x माइनस 4 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, z माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, इन सभी वैल्यू को 0 के बराबर कर देंगे, तो अगर x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, अगर y माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे तो y का मान यहाँ से 5 आ जाएगा, अगर z माइनस 7 को 0 के बराबर करते हैं तो z का मान 7 आ जाएगा। अब एक्स वाई जेड का मान इसमें पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस वाई कितना है 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए 4 का स्क्वायर 16 कट गया, 5 का स्क्वायर 25 कट गया, 7 का स्क्वायर 49 कट गया, तो यहाँ क्या बच गया 1 + 1 + 1 यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर 7 हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्या होता है ये चीज़ आप याद रखिएगा, मैं यहाँ बता रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। ये त्रिकोणमितीय में आप पढ़े होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट में है तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1। अगर हम आपसे पूछें कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर हम 1/ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा लिख सकते हैं तो बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं, या आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/ कोसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर ए हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान एक बट्टा ए होता है। बात को समझिएगा, अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर ए हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान एक बट्टा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता है, तो वो वहाँ से क्या मिल गया, ये यहाँ से मिल गया एक। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सात हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो ये एक बट्टा सात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक बट्टा सात हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आता है कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान अगर ए हो तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान वन बटा ए होता है। अगर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ए हो तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान भी वन बटा ए होगा। तो चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।